मेरठ इस वक्त दिल्ली और अलीगढ़ के हिंसक प्रोटेस्ट को देखते हुए छावनी में तब्दील है, लेकिन इस बीच तीन बदमाशों ने इत्मीनान के साथ नौचंदी थाना क्षेत्र के नई सड़क पर दिन दहाड़े एक ज्वेलर्स के शोरूम में लूट की घटना को अंजाम दे डाला। आपको बताते चले कि बदमाशों ने बड़ी ही आसानी से नकदी, ज्वेलर्स और सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर लेकर वहां से मौके से फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नौचंदी थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर शॉप पर तीन बदमाश अंदर आए, जिनके द्वारा दुकान के मालिक और उनके दो सहयोगी जो वहाँ काम करते हैं, उनको गन पॉइंट पर लेकर वहाँ पर लूटपाट किए हैं। लूटपाट करने के बाद वो फरार हो गए हैं, जिनके बारे में सीसीटीवी फुटेज से महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें मिली हैं और इसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही इसका अनावरण किया जाएगा। सर, टिकरे लोकर टोटल कितने का अनुमान है? अभी अपना करके जैसा बताएंगे फिर आपको अवगत कराया जाएगा। अक्षय जिंदल है। तीन लोग आए थे, पहले दो जने आए, फिर एक और आया और गन पॉइंट पे सारा सामान ले गए। तीन भाई, पहले दो जने आए थे बाइक पे, फिर एक और आया था, फिर उस बैग में भर के सारा सामान ले गए। वो क्या, वो लोग पहले भी कभी दुकान पे डीवीआर भी ले गए? पहले कभी दुकान पे भी आए हैं वो लोग? दुकान पे 6-7 महीने पहले दो जने आए थे बस। कितने का नुकसान है वो सर अभी देख के बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। डीवीआर भी ले गए कैमरा?